इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगुलर मटेरियल डेटा टेबल के पेजिनेशन के बारे में अगर आप एंगुलर मटेरियल के ऑफिशियल साइट पर जाइएगा तो वहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखाई देगा बेसिकली उस सेक्शन टेबल सो आ, डेटा का सेटअप मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूँ तो इस वीडियो में इस टाइप का जो पेजिनेशन होता है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस पेजिनेशन के बारे में डिटेल में बताएँ मैं बताऊँगा फॉर एग्जाम्पल आइटम पर पेज ट्वेंटी इफ़ आई विल डो टू तो यहाँ पे दो एक पेज में दो यहाँ पे रो ही दिखाई देगा उसी टाइप से मैं नेक्स्ट पेज लास्ट पेज प्रीवियस पेज और इस टाइप के जितने भी फंक्शनलिटी होते हैं बड़े आसानी से हम कर सकते हैं एंगुलर मटेरियल के थ्रू तो इस चीज़ को करने के लिए एंगुलर में जब हम टेबल टेबल सेक्शन में यहाँ पे जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिखाई देगा पेजिनेशन का यहाँ पे देख सकते हैं पेजिनेशन पे क्लिक करेंगे तो इस चीज़ को लाने के लिए कुछ चीज़ को आपको करने की आवश्यकता है तो क्या है तो एक लाइन का कोड होता है बेसिकली वो ये है कि आपको मैट पेजिनेटर करके आपको ऐड करना पड़ेगा आपके एंगुलर अप्प्लीकेशन में ठीक है तो इसको ऐड करने से ये काम कर जाएगा अभी हम इस पर क्लिक करेंगे एच कोड पे तो आप नोटिस करेंगे कि मैट मैट पेजिनेटर यहाँ पे है जिसमें पेज साइज हम लोग डिफाइन किए हैं एक एरे है बेसिकली इस एरे को हम डायनेमिक भी कर सकते हैं तो यहाँ पे स्टैटिक है फाइव टेन ट्वेंटी और उसी के आधार पे ये यह यहाँ पे दिखाई दे रहा है फाइव अगर करेंगे तो फाइव दिखाई देगा टेन करेंगे तो टेन दिखाई देगा लाइक like डैट और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे सो फर्स्ट लास्ट बटन अगर आप ये वाला नहीं आ, ये वाला जो है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव अगर आप यूज नहीं करेंगे जो कि एंगुलर मटेरियल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है तो ये ये जो लास्ट पेज और फर्स्ट पेज वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं आएगा अदरवाइज नेक्स्ट और प्रीवियस बटन जो है यहाँ पर आएगा ठीक है तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम आपको ये भी बता मैं मैं बताने वाला हूँ कि इसको कैसे आप सेटअप करेंगे तो सेटअप करना तो बहुत आसान है अब एस टी ए तो रहा एस टी एम में बस यही करना है अब हम टी एस फाइल टी एस में क्या करेंगे तो टी एस में यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि पेजीनेटर करके इम्पोर्ट पेजीनेटर फ्रॉम एंगुलर मटेरियल पेजीनेटर आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा इम्पोर्ट करने के बाद पेजीनेटर यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे व्यू चाइल्ड व्यू चाइल्ड के थ्रू हम पेजीनेटर को एक्सेस कर रहे हैं पेजीनेटर नाउ अगर आप इसको कंसोल करेंगे ना पेजीनेटर में तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा तो uh, मिलेगा फॉर एग्जाम्पल कि आ, कौ, कौन सा पेज है पेज नंबर कौन सा है ए, एक पेज में कंटेंट कौन सा है ये सारा डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उस आ, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट में ओके तो आई थिंक आपको लग रहा होगा कि ईजी है चलिए मैं अपना कोड दिखाता हूँ और वहाँ पर भी मैं दिखाऊंगा ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पर टास्क में आ, बेसिकली हमारा जो ये पेज है ये टास्क है ठीक है तो मीन्स ये कंपोनेंट है बेसिकली हम लोड कर रहे हैं तो उसी कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे तो एच में आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा इसको हम यहाँ पे नीचे कर देते हैं एच टी एम एल में यहाँ पर नोटिस कीजिएगा तो मैट पेरिनेटर में यूज किया हूँ और पेज साइज़ ये हमारा डायनेमिक है इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल यूज किया गया है अगर यूजर चाहेगा मान लीजिए कि एक बिग एंटरप्राइज एप्लीकेशन में जो एडमिन है उसको एक्सेस हो कि वो सेटअप कर सकता है कॉन्फिगर कर सकता है कि एक पेज में कितने आ, टू uh, uh, कितना पेज जो है उसका लिमिट जो ऑप्शन है पेज का वो कितना तक सेट कर सकता है दो तीन चार टेन ट्वेंटी लाइक डेट तो वो यहाँ पे सेट करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जा सकता है इसको डायनेमिक करके तो जस्ट यहाँ पे एक एरे होना चाहिए एरे में जैसा कि आप देखे थे एरे में आपको टू करेंगे तो एक पेज में ये ऑप्शन आएगा बेसिकली ड्रॉप डाउन में फाइव कर सकते हैं टेन कर सकते हैं लाइक डैट ओके देन यहां पे आता है पेज साइज देखिए पेज साइज में एक पेज में कितना लिमिट होना चाहिए आप यहां पे डिफाइन कर सकते हैं उसके बाद लेंथ एंड नाउ यहां पे आप नोटिस करेंगे सो फर्स्ट एंड लास्ट बटन इसी की वजह से हमारा ये ये चीज ये वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाला सेक्शन इसीलिए हमको देखने को मिल रहा है अदरवाइज नहीं मिलता ओके okay? नाउ वाट नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा एस हम आएंगे टी फाइल में टी फाइल में भी मैं भी सेम चीज़ किया हूँ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि पेजिनेटर मैट पेजिनेटर में इंक्लूड किया और व्यू चाइल्ड यूज करके उसको मैं एक्सेस कर कर लिया पेजिनेटर को ठीक है नाउ अब यहाँ पे मैं आ और भी डिफरेंट चीज किया हूँ लाइक मेरे केस में क्या है कि ऐसा नहीं है कि पेजिनेटर पेजिनेशन कैसे हो रहा है तो अगर हम यहाँ पे फाइव करेंगे तो फाइव दिखा रहा है टेन करेंगे तो टेन दिखा रहा है तो ऐसा नहीं है कि आ, सारे डेटा में दिखा रहा है इसका मतलब ये है कि जब हम डेटा बेस से और बैकहेंड से जब हम डेटा हम लाते हैं तो अगर पांच डेटा को रिक्वायरमेंट है तो पांच ही डेटा लाएंगे ऐसा नहीं कि सारा डेटा ला दिए अगर थाउजेंड्स एंड लाख्स ऑफ डेटा अगर किसी भी प्रोजेक्ट में अगर है बिग इंटरप्राइज प्रोजेक्ट में तो सारे डेटा को लाकर हम पेजिनेशन नहीं करेंगे हम पेजिनेशन करेंगे कि यूजर को कितना कितना डेटा देखेगा अगर वो पांच डेटा देखना चाहता है तो पांच ही दिखाएंगे उसको अगर वहाँ पे अगर टेन सेलेक्ट करेगा तो फिर डेटा के पास बैकएंड में रिक्वेस्ट जाएगा और उसके आधार पे उसको डेटा मिलेगा डेटा यहाँ पे शो होगा तो ये रियल टाइम है ठीक है अगर यहाँ पे दो कर रहे हैं तो दो डेटा हमारा डेटा से आ रहा है अगर हम इसको नेक्स्ट पेज कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो डेटा है दो के बाद वाला डेटा वो भी डेटाबेस से आ रहा है ऐसा नहीं कि सारा डेटा को लाकर कर पेजिनेट कर रहे हैं ये ऐसा नहीं हो रहा है ठीक है बट यहाँ पे जो बताया गया है ये स्टैटिक है ये एग्जाम्पल स्टैटिक है इसका मतलब ये है कि सारा डेटा जो भी डेटा है सब अगर थाउजेंड्स एंड लाख ऑफ भी डेटा होगा ना तो सबको लाकर और उसमें हम पर पेज फाइव देख रहे हैं टेन देख रहे हैं ट्वेंटी देख रहे हैं जो भी आप अपसेट कीजिएगा कोड में और उसको हम नेक्स्ट पेज प्रीवियस पेज में ऐसे देखेंगे ठीक है तो हम रियल टाइम में हम डेटा को डेटा से ला रहे हैं अगर आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा नेटवर्क टैब में नेटवर्क टैब में आपको दिखाता हूँ मैं इसको क्लियर किया और जब भी आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जब भी मैं प्रीवियस पेज किया हूँ तो उसके लिए एक ए कॉल हो रहा है और ए कॉल हमको उत, उतना ही डेटा दे रहा है जितना की रिक्वायरमेंट है अब ऐसा क्यों हम सारे डेटा को लाकर हम क्यों पेजिनेट नहीं कर रहे हैं? क्यों हम ऐसे कर रहे हैं तो देखिए लाख थाउजेंड्स एंड लाक्स ऑफ द डेटा अगर रहेगा तो उसको लाने में ज़्यादा टाइम लगेगा यूज़र को तो सारा डेटा एक बार में देखना नहीं है वो तो इन्हीं से पाँच ही डेटा या दस डेटा देखता है ठीक है तो सारा डेटा लाइएगा तो कितना टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपका अप्लीकेशन स्लो हो जाएगा तो अप्लीकेशन स्लो हो जाएगा तो यूज़र को जो है अच्छा फील नहीं होगा डेफिनेटली है ना यू यूजर फ्रेंडली और इस परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैकएंड के थ्रू रियल टाइम डेटा शो कराते हैं इसका मतलब अगर अगर मान लीजिए कि यूज़र अगर रिक्वेस्ट किया नेक्स्ट डेटा के लिए तो ये डेटा बेस से आएगा तो डेटा बेस से केवल दो ही डेटा आ रहा है तो एग्जीक्यूशन डेटा बेस से दो डेटा लाना एक बहुत ही फास्ट होगा ये प्रोसेस बट थाउजेंड्स एंड लाक्स और सारा डेटा एक बार में लाना बहुत ही स्लो uh, प्रोसेस होगा तो इस टाइप से हम यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतरीन बना सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस को बेहतरीन बना सकते हैं अब सारे डेटा को लाकर बनाना भी कभी कभी ये यूजफुल होता हो जाता है अगर कम डेटा है तो बट जनरली एंगुलर एप्लीकेशन बिग इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और बिग इंटरप्राइज एप्लीकेशन में इन सारे खास चीज़ों का ध्यान रखा जाता है तो इसीलिए अब जब भी आप पेजिनेशन कर रहे हैं तो डेटा बेस से रियल टाइम पेजिनेशन कीजिए ना कि सारे डेटा को लाकर आप पेजिनेट कर रहे हैं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन सारे चीज़ को आप ऑटोमेट कर सकते हैं और रियल टाइम डेटा को यहाँ पे शो कर सकते हैं एपीआई कॉल के मदद से थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू यूट्यूब चैनल